साथ में आप अपनी फटी एड़ियों को ठीक कर सकते हैं, सॉफ्ट नरम मुलायम कर सकते हैं। अच्छा, इस मौसम में क्या है ना कि बच्चों के गाल फट जाते हैं, होंठ फट जाते हैं, कोहनियाँ फटना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये रेमेडी इन सब को ट्रीट करेगी। सिर्फ एक रात का चैलेंज दूंगी, एक रात अगर आप इसे लगा लेते हैं ना, देन देखिएगा क्या मैजिक होने वाला है। जरूरत है तो सिर्फ इस वीडियो को ठीक से देखने की, समझने की और फिर इसको इस्तेमाल करने की, जैसा कि मैं बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं और अपनी हील ट्रीटमेंट रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लूंगी एक अदद मोम बत्ती, आपको मार्केट से इजीली मिल जाती है, जब लोड शेडिंग होती है तो ये बहुत इजीली मिल जाती है। एनीवेज यहाँ पे मैं लूंगी एक मोमबत्ती, हमने इसको हाफ यूज करना है, ठीक है। आप इसे ग्रेट कर लीजिए छोटे छोटे पीसेस में या फिर कट कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद इस मोम को मैं डाल दूंगी एक बाउल में और साथ में ऐड कर लूंगी वेजलीन 1 टेबल स्पून। वेजलीन आपके पास किसी भी ब्रांड का है, किसी भी कंपनी का है, जो भी है आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून 2 चम्मच सरसों का तेल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल, इसकी जगह आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 चम्मच ही कोकोनट ऑयल, यानी नारियल का तेल। अब बात आती है समझने की। अब आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें आपने एक रुमाल रख लेना है और उसमें रख देना है इस बाउल को। देन आपने इसमें डालना है पानी और इसे हीट पर रख देना है, जब तक कि आपका पूरा जो हमने मटेरियल इसमें ऐड किया है, जो जो हमने इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं, वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाते। बहुत ही इजीली आपको 5 से 10 मिनट के बाद लगेगा कि ये सब कुछ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने इसे मिक्स करते रहना है इस तरह से। तो ये देखिए हमारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, लेकिन हमने इसे डायरेक्ट ऐड नहीं करना, इस तरह से हमने इसको डालना है। थोड़ा थोड़ा हम इसमें कॉर्नफ्लोर, यानी कि मकई का स्टार्च, जो सूप वगैरह में आप इस्तेमाल करते हैं ना, ग्रेवी को थिक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये आपकी स्किन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से हील करता है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूंगी और साथ में जो है ना, वो हमारा मटेरियल जो है वो मेल्ट हुआ हुआ, उसको भी थोड़ा थोड़ा चम्मच से मिक्स करती जाऊंगी। अगर हमने सारा डालती है तो इसमें लंप्स बन जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। ये देखिए, ये भी अच्छे से मिक्स हो गया और मटेरियल में डिजोल्व हो गया। अब आपने बाउल को डबल बॉयलर से निकाल लेना है और इसे आपने थोड़ा सा और मिक्स करना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए, अब आपने कोई भी खाली क्रीम जार लेनी है, जिसमें आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं, उस क्रीम जार में इसे डाल दीजिए और बस वेट कीजिए कि ये जब तक अच्छे से थिक नहीं हो जाता। आपको कम से कम 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। 20 मिनट के बाद देखिएगा कि आपकी जबरदस्ती सुपर मैजिकल हील ट्रीटमेंट क्रीम रेडी हो जाएगी। ये चीज आपके लिए बहुत जबरदस्त है। अगर इसे बनाकर आप सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं ना, तो पूरी सर्दी आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, आपके फटे होंठ, आपकी फटी कोहनियाँ, एड़ियाँ सब ठीक होंगी, वो भी सिर्फ 12 घंटे में, एक रात में। अब बारी आती है, सबके माइंड में क्वेश्चन होगा कि इसे लगाना कैसे है। पहले आपने एड़ियों को अच्छे से वॉश कर लेना है, साफ कर लेना है और इसके बाद ड्राई कर लेना है। मेक श्योर कि आपकी एड़ियाँ अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब आपने इस क्रीम को लेयर की सूरत में एड़ियों पर अप्लाई करना है और उसके बाद प्लास्टिक रैप कर लेना है। जो भी शॉपर वगैरह होते हैं, उसको सिर्फ एड़ियों के अराउंड लपेट लेना है पूरी रात के लिए। सुबह आप देखेंगे कि मैजिक होगा, आपने वॉश आउट कर लेना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फटे होंठों पर, फटी कोहनियों पर, या जो भी आपका एरिया बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ड्राई है उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो एज अ क्रीम ही आप इसे यूज करेंगे, आपने प्लास्टिक रैप नहीं करना। आप इस चीज को, इस रेमेडी को बनाकर 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, खराब होने वाली चीज ही नहीं है। अपने बच्चों के लिए भी इसे बनाकर स्टोर कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो के रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अगर कुछ पूछना हो अपने स्किन और हेयर केयर के मुतालिक, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी।